उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 18 जुलाई 2022 उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के नाम से जानी जाएंगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,000 सीमा निर्धारित थी तथा नियम की योजनाओं में अनुदान राशि 10,000 ही अनुमन्य थी। इसमें भारी परिवर्तन करते हुए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आए थे उनके लिए मार्जिन मनी मुक्त कर दी गई है, किंतु जिनकी आय सीमा 2.5 लाख या उससे भी कम है उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को उद्यमी बनाने के लिए आज़ादी के बाद पहली बार पात्रता और अनुदान राशि में बड़ा परिवर्तन किया गया है तथा विशेष केंद्रीय सहायता के तहत संचालित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की रोजगार परियोजनाएं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को एकता जोड़कर इसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति पीएम अजय कर दिया गया। अब अनुसूचित जाति के लोग कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन खाद्य प्रसंस्करण हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग सेवा व्यापार के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों को रोजगार से जुड़ने के लिए यह एक सरकार का बड़ा कदम है, इससे दलितों को बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों का समग्र विकास हो रहा है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार कार्य कर रही है। आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे बड़ा सम्मान देने का कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा, हाँ ये तो चला जाता है, नहीं मतलब शुरू करेंगे अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 1975 से कार्य कर रहा है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से एक अभूतपूर्व परिवर्तन हमारे निगम की योजनाओं में और अनुसूचित जातियों की रोजगार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जिस पर पहली प्रेस मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। हमारी जो पात्रता थी उसमें अनुसूचित जाति का होना चाहिए, उसकी आय सीमा शहरी क्षेत्रों के लिए 56,000 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,000 हुआ करती थी। अनुदान के रूप में हम लोग प्रति लाभार्थी 10,000 रुपये दिया करते थे, लेकिन अब हमारी केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाओं का अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति, किसी भी आय सीमा का व्यक्ति अब उसका लाभार्थी बन सकता है, किंतु हम 2.5 लाख रुपए तक के लोगों को, आय सीमा तक के लोगों को प्रथम वरीयता देंगे। इस प्रकार से एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है और इसके पीछे आशय यह है कि अनुसूचित जातियों को सदियों की त्रासदी से बचाने के लिए उनको रोजगार से जोड़ा जाए और वे इन योजनाओं के माध्यम से छोटे रोजगारी नहीं बल्कि दलित उद्यमी, बड़े दलित उद्यमी बन सकते हैं। अभी तक स्टैंड अप इंडिया योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से इस देश में लगभग 12,000 बड़े दलित उद्यमी हैं और हमें उम्मीद है कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए जो हमारी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो लागू की गई है वह एक बड़ा परिवर्तन करेगी और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हमें उम्मीद है कि जो ये अनुसूचित जातियों का दंश है, अनुसूचित जाति कहने की जो अनिवार्यता है वह समाप्त हो जाएगी। यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी के नाम पर
चलाई गई है और इसके बड़े सार्थक परिणाम होंगे। देखिए, अब हम जो योजनाएं चला रहे हैं वह रोजगार परक होंगी। हम उन्हें अनुदान के रूप में, एक सहायता के रूप में 50,000 रुपये देंगे और अब यह योजनाएं व्यक्ति परक नहीं होंगी बल्कि क्लस्टर में होंगी, समूह के रूप में। 2 लोगों का समूह होगा, 4 लोगों का समूह होगा, 10 लोगों का भी, और प्रति समूह में जितने भी व्यक्ति होंगे हम प्रत्येक को 50,000 रुपये देंगे। और हम उस प्रोजेक्ट के लिए जिस काम में लगेगा, जैसे मछली पालन है या कोई प्रोडक्शन का कोई काम है, जो भी होगा हम उसके लिए प्रशिक्षण भी देंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम उसको उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट की भी व्यवस्था करेंगे। तो यह एक बड़ा बड़ी अभिनव योजना है और इससे दलितों के दिन बहुरेंगे। देखिए, अनुदान के अलावा वो बैंक के दर पे ब्याज होगा। अभी तक जो हमारी योजनाएं चल रही थी 25% की राशि पे हम 4% ब्याज लिया करते थे और शेष बैंक की दर पे हुआ करता था। अमूमन यही प्रवृत्ति इसमें भी लागू होगी।